नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं JNI न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर, जी हाँ, नजर आपकी होगी, खबर JNI न्यूज की होगी। सिर्फ तेज ही नहीं, सच भी। इस दलित नेता के घर पर क्यों तैनात हो गई पुलिस, क्यों किया नजरबंद? आखिर पुलिस को चकमा देकर लखीमपुर पहुंच गया दलित नेता। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जनपद बाराबंकी से। आपको बता दें कि जनपद बाराबंकी के रहने वाले देवा रावत बहुजन आर्मी चीफ को पुलिस ने घर पर ही नजर बंद कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि लखीमपुर खीरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए देवा रावत लखीमपुर खीरी जा रहे थे कि घर से निकलने वाले ही थे कि उन्हें घर पर ही करीब आधा दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों ने घर में ही नजर बंद कर दिया था। फिर क्या था, पुलिस को चकमा देकर लखीमपुर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए, नहीं रोक पाई बाराबंकी पुलिस। पीड़ित परिवार से मिलके देवा रावत ने कहा कि ये हमारी भी बहन थी, अब ये केस हम देखेंगे, इस केस के विषय में लखीमपुर DM व SP से करेंगे बात। JNI न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। वहाँ पर कोई नहीं जा रहा, गया हो गया। डरो एकदम, डरना मत, एकदम आराम से बताओ। हालांकि हम आए हैं, हमारी वो करो मतलब हमको गवाही ना, गवाही दो कि किसने देखा, माँ ने देखा। हाँ, तो हमने कहा कि इसकी माँ ने देखा। हाँ, और बाकी जो जहाँ पर लड़की थी वहाँ पर तो मतलब एक नहीं, हजारों आदमी देखा। हाँ, तो हम किसको बता दें, नहीं देखा। कुल मिला के वो कह रहे हैं कि गवाही हमको दो फर्जी, बता रहे हैं कि गवाही दो, मतलब कहाँ से गवाही दे दें यार, जब हमारी माँ ने देखा। इसी गवाह आई विटनेस गवाह तो छोड़ दो। आई विटनेस का मतलब समझते हो, आई विटनेस है वो एकदम जो है सबूत है कि मतलब वो सामने से देखी अपनी आंखों से देखी। हम लड़की को पकड़े हैं उसके साथ में घसलते, अब इससे ज्यादा गवाही कुछ चाहिए कोर्ट को, इससे ज्यादा कौन गवाही चाहिए। और फिर आदमी किसी को फंसाएगा तो अपनी दो बच्चियां कुर्बान करके फंसाएंगे। अगर किसी को आदमी सोच, चलो ठीक है, एक तरफ मान लेते हैं कि घर का गांव का कुछ आपसी लड़ाई झगड़ा रहता है तो आदमी मारपीट करवा फंसाएगा कि दो बच्चे कुर्बान कर देगा अपने। अरे दो बच्चे कैसे कुर्बान कर देगा, तो फिर तो यही, चलो ठीक है। एक वकील करो तो हमने कहा कि सर क्यों, किस लिए? तो बता रहे हैं कि जो चार गवाही लाओगे तो आपकी कोर्ट तक जाएंगे, आपकी मदद करेंगे। और उनसे ये तो है कि देखा है चारों ने, तो हमने कहा सर जो देखा होता, सर जो देखा होता तो बचा नहीं लेते। हाँ बिल्कुल, जब वो देख लेते तो बता नहीं सकते। सरकार है, अरे बेटा हम जैसे कह रहे हैं वैसे कहो। हमने कहा नहीं सर, हम नहीं कहेंगे। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मतलब वो गवाही लेके जाओ तुम, सुनो हमारी बात, कहाँ क्या क्या समझ रहे हो, गवाही लेके आए, वो गवाही कोर्ट में कमजोर पड़े, मुकदमा खत्म। और हमारे घर कोई नहीं वैसा आदमी आया, ना वैसी बात करी, तो मैंने बहुत उनसे नाराज हो गया था। तो वहाँ से चले गए, कहने लगे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आप जैसा करो वैसी आपकी मर्जी है। आज भी आए तो कह रहे वकील किया, मैंने कहा नहीं किया। बोले वकील करो, कोई गवाही लेके आओ। वकील आपका क्यों करें आप बताइए। तो हमने कहा था कि क्यों करें वकील, गवाही हमारे भाई नहीं तो क्यों लेके आए। मम्मी हमारी गवाही है, माँ ने हमारी देखा, माँ के हाथों से लेके गए, मम्मी ने देखा, जिनको देखा वो बता रही हैं। और जो पहले था जिसको देखा गांव वाले लड़कों को, उसने खुद कहा कि ये पांच थे और हम हैं छह थे, बता दिया। तो उसमें कौन जरूरत है, कौन गवाही, जो चार बंदे देख लेते तो हमारी बहनों को बचा नहीं सकते थे। इसलिए मैंने बहुत उनसे कहा, तो वो कहने लगे कोई बात नहीं बेटा, आपकी मर्जी है, आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। मैंने कहा सर आप तो गलत बयान लेते हैं मेरे से। देखो
अब हम आपको बता दें, पुलिस अपने मन से अगर कुछ बताए तो आप हमको फोन करके पूछना कि ये बता रहे हैं हम, ये ऐसा ये बोल रहे हैं, हम करें क्या, हम एडवोकेट हैं, हम आपको पूरी जानकारी सही बताएंगे। ठीक है, भूम आर्मी वाले अस्पताल में हूँ, भूम आर्मी से हम नहीं, हम बहुत नहीं, वो सर आए थे हमारे से बोलने के लिए, आप टेंशन नहीं लेना, कोई बात हो तो बस तुम जैसे कोई पुलिस वाला आए धमकाए या कुछ करें तो आप बाहर निकलाना, निकाल लेना मेरा, आराम से चुपके रख देना, फिर हम देखेंगे। हाँ वही चीज़ हम भी बोल रहे हैं, फोन लगा के चुपके, हम ये नहीं कह रहे हैं चुपके रख देंगे, एक तो यहाँ पे किसी से बात करना ऑन रिकॉर्ड रखना, ये बात याद रखना हमेशा, फोन है ऑन रिकॉर्ड बात होता है। आप बताइए अधिकारी से कि सर ऐसा है कि आप अगर सही बोल रहे हो तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, अगर वो रिकॉर्डिंग से आना तानी करता है तो ये बात समझ लो कि वो गलत है, खराब वो आपको फ्रॉड, ठीक है ना, कोई डर नहीं होता। बाकी जो चीज़ आपकी समझ में ना आए वो हमसे पूछना, हम आपको बताएंगे, राय पूरी देंगे, कोर्ट तक हमने बोला ना लड़ेंगे, कोर्ट तक हम आपको बताएंगे कैसे क्या, रियर केस अगर कुछ होगा मतलब रियर प्रॉब्लम होगी तो हम आएंगे, वरना आपको हम डायरेक्ट कोर्ट का पूरा सब बताएंगे और सारा। जी आपके एरिया के भैया लोग हैं सब ये आते रहेंगे आपके वहाँ, ठीक, उनको लोगों को हम बीच बीच में भेज देंगे, आप देख के जान भी चले जाएंगे भैया, हम बयान नहीं बदलेंगे, बस यही हमारा कहना, बयान नहीं बदलेंगे, अब बुलडोजर चलना चाहिए उनके घर पे, जब हमारे बहनों के लिए भैया, हमारे बहनों के लिए बुलडोजर आ गई खोदने के लिए गड्ढा, तो उनके घर खोदने के लिए बुलडोजर नहीं आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आ सकती है? जब थोड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए बुलडोजर आ गई तो कौन गवाही, जो चार बंदे देख लेते तो हमारी बहनों को बचा नहीं सकते थे, इसलिए मैंने बहुत उनसे कहा तो वो कहने लगे कोई बात नहीं बेटा, आपकी मर्जी है, आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। मैंने कहा सर आप तो गलत बयान लेते हैं मेरे से। देखो अब हम आपको बता दें, पुलिस अपने मन से अगर कुछ बताए तो आप हमको फोन करके पूछना कि ये बता रहे हैं हम, ये ऐसा ये बोल रहे हैं, हम करें क्या, हम एडवोकेट हैं, हम आपको पूरी जानकारी सही बताएंगे। ठीक है, भूम आर्मी वाले अस्पताल में हूँ, भूम आर्मी से हम नहीं, हम बहुत नहीं, वो सर आए थे हमारे से बोलने के लिए, आप टेंशन नहीं लेना, कोई बात हो तो बस तुम जैसे कोई पुलिस वाला आए धमकाए या कुछ करें तो आप बाहर निकल आना, निकाल लेना मेरा, आराम से चुपके रख देना, फिर हम देखेंगे। हाँ वही चीज़ हम भी बोल रहे हैं, फोन लगा के चुपके, हम ये नहीं कह रहे हैं चुपके रख देंगे, एक तो यहाँ पे किसी से बात करना ऑन रिकॉर्ड रखना, ये बात याद रखना हमेशा, फोन है ऑन रिकॉर्ड बात हो सारी। आप बताइए अधिकारी से कि सर ऐसा है कि आप अगर सही बोल रहे हो तो हम इसको रिकॉर्ड करवाएंगे, ठीक है, अगर वो रिकॉर्डिंग से आना तानी करता है तो ये बात समझ लो कि वो गलत है, वो आपको फ्रॉड करता है, ठीक है ना, कोई डर नहीं होता उसको रिकॉर्डिंग का। बाकी जो चीज़ आपकी समझ में ना आए वो हमसे पूछना, हम आपको बताएंगे, राय पूरी देंगे, कोर्ट तक हमने बोला ना लड़ेंगे, कोर्ट तक हम आपको बताएंगे कैसे क्या आएंगे, रियर केस अगर कुछ होगा मतलब रियर प्रॉब्लम होगी तो हम आएंगे, वरना आपको हम डायरेक्ट कोर्ट का पूरा सब बताएंगे और सारा। जी आपके एरिया के भैया लोग हैं सब ये आते रहेंगे आपके वहाँ, ठीक, उनको लोगों को हम बीच बीच में भेज देंगे, आते रहेंगे, आप देख के जान भी चले जाएंगे भैया, हम बयान नहीं बदलेंगे, बस यही हमारा कहना, बयान नहीं बदलेंगे, अब बुलडोजर चलना चाहिए उनके घर पे, जब हमारे बहनों के लिए भैया, हमारे बहनों के लिए बुलडोजर आ गई खोदने के लिए गड्ढा, तो उनके घर खोदने के लिए बुलडोजर नहीं आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आ सकती है? जब थोड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए बुलडोजर आ गई तो ये घर गिराने के लिए नहीं आ सकती, मिट्टी के लिए बुलडोजर आ गई, वो तो हमेशा वही रहता ही है इनका, ये हाथरस में भी उससे खुदवाए थे, वहाँ पे किसी को नहीं आने जाने देते, चिंता मत करो, ठीक है, अब जो हुआ हम तो नहीं बचा पाए ना, और हमारे साथ कुछ नहीं होगा, दो तीन दिन देखते हैं, फिर जो कुछ नहीं होगा तो हम फिर अपनी बहनों को खुदवा के फिर हम चक्का जाम करेंगे, कहीं भी लेके जाएंगे, जो होगा वो देखा जाएगा,
यहाँ नहीं होगा तो हाई कोर्ट जाएंगे, जहाँ जा पाएंगे तहाँ तक जाएंगे हम। कल तो और देख लो, नहीं देखो उसका हमने बोला ना कि बुलडोजर अगर सरकार चाहे तो कल ही चले जाएगा। हाँ, जैसे बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना जांच के लोगों के ऊपर, निर्दोष लोगों के ऊपर बुलडोजर चलता है, वैसे ही बिना जांच के बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि वो आरोपी हो गए हैं। फिर मिलते हैं ऐसी ही और बड़ी खबर लेकर आपके साथ। मैं हूँ ज्योति, आप देख रहे हैं GNI न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल GNI न्यूज चैनल को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया, हमारे GNI न्यूज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।